तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ADCA कोर्स के कंक्लूजन के बारे में बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करके पूछ रहे थे कि ADCA कोर्स कितने दिनों का होता है, ADCA कोर्स का सिलेबस क्या होता है और ADCA कोर्स को करने के बाद हमको कौन कौन सी जॉब मिलती है और उन जॉब की सैलरीज क्या करती है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों को जवाब हम आपको देंगे, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी और अच्छे कंटेंट हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ADCA क्या है। मैं आपको बता दूं, ADCA एक कंप्यूटर कोर्स होता है जो कि 12 महीने का होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। यह एक डिप्लोमा डिग्री होता है जो कि दोस्तों आपको 12 महीने के अंदर मिल जाएगा अगर आप लोग ADCA करेंगे तो। और हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो कि कहेंगे कि ADCA 2 सेमेस्टर का होता है, 3 सेमेस्टर का होता है। तो दोस्तों ये सब अपवाह की बात है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने हिसाब से इसको सेमेस्टर वाइज में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ADCA केवल 12 महीने का कोर्स होता है, इसमें कोई सेमेस्टर नहीं होता है, वो सब लोग अपने हिसाब से सेमेस्टर को डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ADCA क्या है और कितने दिनों का कोर्स होता है। अब दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ADCA में कौन कौन से टॉपिक बताई जाती हैं, इसका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों ADCA की सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक आती हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू OS, इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें इतने सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे ADCA कोर्स के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर दोस्तों हमारे जो मुख्य 4 प्रोग्राम होते हैं वो है MS Word, माइक्रोसॉफ्ट Excel, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint और माइक्रोसॉफ्ट Access। इन 4 प्रोग्रामों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग के अंतर्गत बताया जाएगा कि वाट इज नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क डिवाइसेस। तो दोस्तों आपको नेटवर्क टॉपिक के अंदर इतने सारे पॉइंट बताए जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और चौथा टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक बताए जाएंगे दोस्तों, जैसा कि व्हाट इज इंटरनेट, WWW एंड ब्राउजर, इसके बाद ईमेल क्या होता है, ई गवर्नमेंस क्या होता है एंड IoT एंड AI एंड एंटीवायरस। उसके बाद बताया जाएगा दोस्तों फॉर्म फिलिंग एंड डाउनलोडिंग करना। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, व्हाट इज GTP, व्हाट इज फोटोशॉप एंड CorelDRAW। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 3 पॉइंट बताए जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज GTP, फोटोशॉप एंड CorelDRAW। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक या फिर आप कह सकते हैं छठा टॉपिक अकाउंटिंग विद टैली। इसमें आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताया जाएगा जो कि टैली ERP 9 बेस्ड होगा, जिसमें आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन GST, अकाउंट विथ इन्वेंट्री एंड रिपोर्ट प्रिंटिंग करना। आपको छठे टॉपिक के अंदर इतने सारे पॉइंट बताए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम एंड इंट्रोडक्शन टू लोगो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, प्रोग्रामिंग विथ सी लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक के अंदर इतने सारे पॉइंट बताए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 8वां और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो HTML एंड JavaScript। इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे पॉइंट बताए जाएंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू HTML, वेब पेज क्रिएशन, इंट्रोडक्शन टू JavaScript एंड एडवांस HTML। इसके बाद जो हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक आता है ADCA कोर्स के अंदर, इसके भी 4 पॉइंट आपको बताए जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर पार्ट्स एंड यूटिलिटीज़। तो दोस्तों आपको ADCA कोर्स के अंदर इतने सारे टॉपिक बताए जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हम ADCA कोर्स करने के बाद हमको किस तरह की जॉब मिलेंगी और उन जॉब की सैलरीज क्या दो। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ADCA कोर्स को करने के बाद हमको किस तरह की जॉब, कहाँ कहाँ पर हमको जॉब मिलेंगी और उन जॉब की सैलरीज क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ADCA कोर्स आपको करने के बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर,
फोटो एडिटर और वेब डिजाइनर के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। इतने सारे जॉब आपको ADCA कोर्स करने के बाद मिल सकती हैं, जो कि कोर्स 12 महीने का होता है दोस्तों। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो दोस्तों आपको इसमें से कोई ना कोई एक जॉब आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन जॉब की जो मिनिमम सैलरी होगी वो 10,000 से 15,000 के बीच में होगी, जो कि स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।